राम राम दोस्तों, तो बड़े दिनों बाद मैं बना रही हूँ बड़ा ब्लॉग। तो मुझे आइडिया नहीं है बड़ा ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, पर इस ब्लॉग के द्वारा मैं आपको भारत के सारे राज्यों का दर्शन जरूर करा दूंगी। तो ये था मिजोरम, अब बारी आता है बिहार का। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अशोक स्तंभ, उसके बाद देखिए मधुबनी पेंटिंग और शांति स्तूप का कैसे भूल सकते हैं। तो आइए आइए आपको नालंदा विश्वविद्यालय का भी दर्शन करा दूं, देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने जो आते थे। और ये हस्तशिल्प की कलाकारियों को दिखाते हुए मैं आपको ले जा रही हूँ महाबोधि टेम्पल का दर्शन करवाने। तो अगर आप बिहार से हैं तो एक बार वक्त निकाल के जरूर इस मंदिर का दर्शन कीजिएगा, बेहद ही खूबसूरत है ये टेम्पल। भारत के कोनो राज में पहुंच जाए, दिल्ली पंजाब चाहे हरियाणा, भोजपुरी के रास्ता बढ़ ले बात बोली जय बिहार। तो बिहार से पकड़ लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस और सीधे पहुंच जाइए गुजरात। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ गुजरात। एंट्री गेट पे ही लगी थी सरदार पटेल जी की सबसे लंबी मूर्ति। गुजरात जाइएगा तो फाफड़ा जलेबी जरूर खा के आइएगा। गुजरात में आइए और गांधी जी को याद कीजिए, साथ में चरखा भी चला के जाइए दोस्तों, और डांस देखना ना भूलिए। सच में भैया का एक्टिंग देख के ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगी। तो हो गई हो आपकी गुजरात का दर्शन, तो बिना पेट्रोल वाली गाड़ी से चल दीजिए पौंडीचेरी। देखा कितना जल्दी मैं आपको पहुंचा दी पौंडीचेरी, फ्लाइट से भी जाते तो इतना जल्दी नहीं पहुंच पाते। वैसे पौंडीचेरी सच में बेहद ही खूबसूरत बना हुआ था, ऐसा लग रहा था पूरे दिन यही घूमते रहे। अरे नहीं नहीं, अपने वादे के मुताबिक मैं आपको हिमाचल प्रदेश भी ले चलूंगी, वो भी पैदल चल के। तो आ गए ना आप भी हिमाचल प्रदेश, तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो आप में से कौन कौन हिमाचल प्रदेश गया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश जाइए और क्रिकेट स्टेडियम ना घूमिए तो फिर क्या ही हिमाचल प्रदेश जाइए, इस बात को प्रूफ कर दिया मेरी फ्रेंड दीपा ने। देखिए सबसे पहले इसकी निगाह क्रिकेट के फील्ड पे ही गई। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, वैसे क्रिकेटर सबका जान तो स्टेडियम में ही बसती है। तो ये देखिए हाथों से बना हुआ कपड़ा है ना, बेहद खूबसूरत। एक राज की चीज दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पहुँचते ही दीपा ने कर ली अपने पति की तलाश, मतलब मेरे जीजा जी की। अब पंडित जी से मैं दिन दिखा के डांस की शुरुआत कराती हूँ, तो आप भी देखिए। अगर आपको सीखनी है कथक डांस तो आप ले लीजिए दीदी से ट्रेनिंग, देखिए कितना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं ये भैया को। और ये देखिए माँ काली और महिषासुर का युद्ध। तो ये है मेरा यूनिवर्सिटी LPU जिसमें हो रहा था वन इंडिया कंपटीशन। तो आपको कौन सा स्टेट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट बड़े ब्लॉग के साथ, थैंक यू।